पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये दास्तां है एक बड़े ही जबरदस्त अभिनेता की, नाम जिनका है पवन मल्होत्रा। पवन मल्होत्रा का जन्म हुआ 2 जुलाई 1958 में। फिल्म बाग बहादुर और सलीम लंगड़े पे मत रो, इन किरदारों के लिए इनकी खूब सराहना हुई। पर दरअसल इन्होंने शुरुआत किस तरह से करी, जरा रुख करते हैं उस तरफ। अच्छा बेटा, पहली पिक्चर में डिस्कशन शुरू कर दिया, आते ही सवाल चालू। पवन मल्होत्रा का जन्म दिल्ली में हुआ। पुरानी दिल्ली के नवाबगंज इलाके से ये ताल्लुक रखते हैं और दिल्ली के ही मानव स्थली स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की। बाद में आर्ट्स में ग्रेजुएशन की दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से। दरअसल भारत के बंटवारे के बाद इनका परिवार पाकिस्तान से दिल्ली आ गया था। तीन भाइयों और दो बहनों के बाद पवन मल्होत्रा का जन्म हुआ था। जब तक पवन मल्होत्रा इस दुनिया में होश संभालते, इनके वालिद ने मशीन टूल्स का एक अच्छा खासा बिजनेस जमा लिया था। ये स्कूल में ही थे तब इनका एक दोस्त इन्हें रुचिका थिएटर ग्रुप के एक नाटक के लिए ले गया। उस ग्रुप का हिस्सा रहे फैजल अलकाजी, वही फैजल जो महान रंगकर्मी अब्राहम अलकाजी के बेटे हैं। पवन मल्होत्रा से भी पूछा गया कि क्या ये एक्टिंग करेंगे। इन्हें लगा कि गली मोहल्ले के जन्माष्टमी के नाटक के लिए शायद ये पूछ रहे हैं, तो इन्होंने फौरन हाँ कह दिया। पर धीरे धीरे इन्हें एहसास हुआ कि ये तो प्रोफेशनल शो की बात हो रही है। हालांकि शुरुआत में इनकी अंग्रेजी जरा कमजोर रही क्योंकि ये हिंदी माध्यम से पढ़कर आए थे, पर धीरे धीरे अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही नाटकों में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बड़े अच्छे और उम्दा किरदार निभाए। एक बार इनका नाम अखबार में भी छपा और इनकी एक्टिंग की तारीफ हुई। कॉलेज में भी अच्छा खासा थिएटर करते रहे, पर एक दिन इनके वालिद ने इनसे कहा कि देखो बेटा, फैमिली बिजनेस का हिस्सा तो बनना ही होगा। ये बात इतनी भावनात्मक तरीके से कही गई थी कि पवन मल्होत्रा इनकार ना कर सके। अभी ये थिएटर से दूर ही हुए थे कि अचानक इन्हें पता चला कि सर रिचर्ड नॉटनब्रो की फिल्म गांधी की टीम आई हुई है और उन्हें एक वार्डरोब असिस्टेंट की जरूरत है। बस पवन मल्होत्रा ने अपने पिता से कहा कि ये तकरीबन मेरी आखिरी नौकरी होगी आर्ट की दुनिया के लिए, उसके बाद तो घर का बिजनेस ही है। फिल्म की शूटिंग से ये बड़े मुतासर हुए। धीरे धीरे फिल्म की शूटिंग मुंबई में शिफ्ट हो गई। मुंबई से पुणे, पुणे से पटना, अलग अलग लोकेशंस पे फिल्म गांधी की शूटिंग चली और पवन मल्होत्रा लौट कर कभी अपने खानदानी बिजनेस का हिस्सा ना बन सके। इन्हें फिल्म जाने भी दो यारों की प्रोडक्शन टीम के लिए भी नौकरी पे रख लिया गया था। जब ये मुंबई पहुंचे, इनकी मुलाकात सुधीर मिश्रा से हुई जो फिल्म जाने भी दो यारों के असिस्टेंट डायरेक्टर्स में से एक थे। इन्होंने पूछा खाने पीने रहने सहने का इंतजाम कैसे होगा, तो इनसे कहा गया कि कमरा तो हम शेयर कर लेंगे, बाकी खाना तो फिल्म के सेट्स पे ही मिलेगा। कभी सेट्स, कभी प्रॉपर्टीज, कभी कॉस्ट्यूम्स, फिल्म जाने भी दो यारों की टीम का ये बड़ा जबरदस्त हिस्सा बने। फिर सईद अख्तर मिर्जा की प्रोडक्शन के लिए इन्होंने काम किया। फिल्म थी मोहन जोशी हाजिर हों, विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म खामोश की टीम का भी ये हिस्सा बने। हालांकि ये थे तो एक्टर, पर प्रोडक्शन का काम करते रहे क्योंकि पेट की आग भी तो बुझानी थी। उस वक्त दूरदर्शन के टीवी सीरियल्स भी बड़े मकबूल हो रहे थे। जाना माना टीवी सीरियल ये जो है जिंदगी की टीम का भी यह हिस्सा बने। मुफलिसी की हालत ऐसी थी कि कभी ये ब्रेड फैक्ट्री की बची खुची ब्रेड बेचने का काम करते तो कभी किसी गौशाला में गायों को खाना खिलाने का। सीरियल नुक्कड़ में भी इन्हें एक अच्छा किरदार मिला, लोगों को इनका काम बड़ा पसंद आया, हालांकि किरदार छोटा ही था। नुक्कड़ के बाद सईद मिर्जा के फिल्म सलीम लंगड़े पे मत रो के लिए इन्हें साइन किया गया और इत्तफाकन उस फिल्म का लीड रोल पवन मल्होत्रा को मिला। ब्लैक फ्राइडे का टाइगर मेमन कौन भूल सकता है, उससे पहले फिल्म बाग बहादुर में भी इनका अभिनय देखते ही बनता था। इन्हें गौतम घोष की फिल्म फकीर के लिए नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। टीवी सीरियल्स रहे, आर्ट फिल्म्स या फिर कमर्शियल फिल्म्स, हर जगह पवन मल्होत्रा ने अपने अभिनय का सिक्का जमाया। हिंदी के अलावा अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में इन्होंने काम किया। यकीनन पवन मल्होत्रा उन गिने चुने अभिनेताओं में से हैं जिन्होंने कठिनाई के साथ अपनी ये जगह बनाई
और हर किरदार में ये बड़ी सरलता से उतर गए और सभी का मनोरंजन किया। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।